भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो एक रैली को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 सेकंड के इस वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक सभा में चुनाव को लेकर कहते हैं कि अगले 6 महीने 1 साल में, फिर पूछते हैं कितना समय है इलेक्शन में, पीछे से जवाब आता है 8 महीने में। भाजपा मध्य प्रदेश की ओर से सोशल मीडिया ऐप कू पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर कर लिखा गया कि चुनाव कब है ये इन्हें पता नहीं, लेकिन इसमें राहुल जी की कोई खता नहीं, उनका ध्यान है विदेश में, बेचारे फंसे पड़े हैं कांग्रेस में। आपको बता दें कि ये वीडियो कब और कहां का है इसकी जानकारी अभी नहीं है। भाजपा की ओर से वीडियो का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर चुनाव कब है हेडिंग से शेयर किया जा रहा है। अगले 6 महीने में 1 साल में कितना समय है इलेक्शन के लिए? 8 महीने। 8 महीने क्या करना, हमें खोजना है। अगले 6 महीने में 1 साल में कितना समय है इलेक्शन के लिए? 8 महीने। 8 महीने क्या करना, हमें खोजना है। बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिनमें उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में वोटिंग हो गई है। यूपी में भी 5 चरणों का मतदान हो गया है। वहीं मणिपुर में आज पहले चरण की वोटिंग हुई। इस बीच कांग्रेस की दिल्ली में कुछ दिन पहले एक अहम बैठक हुई। राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूपी महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में कहा गया है कि कांग्रेस चुनाव समिति 2022 के सितंबर महीने तक अपना अगला अध्यक्ष चुन सकती है। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर विस्तृत चर्चा की गई। 10 मार्च को घोषित होने वाले परिणामों के संबंध में रणनीति पर भी चर्चा की गई। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव और आगे के रास्ते पर विस्तृत चर्चा की गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।